अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू रेसिपी। कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज, आज बहुत ही ज़बरदस्त मम्मी रेसिपी लेकर आई हैं, टर्की सूप। तो मम्मी आप लोगों को बताती हैं कि आज वो किस तरह बनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टर्की सूप लेके आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और दूसरी सूप से हटके है, डिफरेंट है। काफ़ी चीज़ें उसके अंदर डिफरेंट जाती हैं। मैंने ये लिया है 3 पाव मैंने चिकन हड्डी वाला। अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला चिकन हो या कोई भी हड्डी वाली चीज़ हो, वो उसके अंदर यखने के लिए बड़ी अच्छी होती है। 3 पाव मैंने चिकन लिया है, साथ मैंने ये चीज़ें ली हैं जो यखनी के अंदर जाएगी। तो चले हम शुरू करते हैं, साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल, लहसुन तकरीबन 10 से 12 जवे छोटे मेरे पीस थे, अदरक का मैंने तकरीबन 2 छोटे छोटे पीस थे जो मैंने अदरक डाले हैं, 1 बड़ी गाजर थी वो मैंने बड़े बड़े पीस काट लिए हैं, 1 रेड ऑनियन, आप व्हाइट ले ले, रेड ले ले, कोई सा भी ले ले, 2 दालचीनी के पीस, 7 से 8 लौंग, 1 बड़ी इलायची, तकरीबन 10 से 15 काली मिर्चें, ये हमने डाल दी है। इसके साथ ही मैं डालूंगी चिकन, तकरीबन इसको मैं 3 से 4 मिनट भूनूंगी। फ्रेंड्स, ये दूसरी सूप से इसलिए डिफरेंट है कि इसके अंदर ये सब्जियां भी जाती हैं, प्याज भी जाता है। ये हमने यखनी में इसलिए डाला है कि इन चीज़ों का, वेजिटेबल का इसके अंदर जो है टेस्ट आ जाए। तो बाद में हमने इनको इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन मैं टेस्ट के लिए इसको डाल रही हूँ। जी हमारा ये तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने ये चिकन जो हमने अच्छी तरह भून लिया है कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो एक मैंने डाला टीस्पून नमक का, और बस इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर खुला पानी डालूंगी यखनी के लिए। मैंने एक कैटल भर के इसके अंदर डाल दिया है। कैटल में 5 कप होते हैं। हाँ, तकरीबन ये मैं बाद में 1/2 कैटल डालूंगी, आप अपने हिसाब से डाल लें चिकन के मुताबिक। तो ये मैं अब इसको तकरीबन 20 मिनट सीटी लगा के इस यखनी को मैं रखूंगी कि ये जो असर अच्छी तरह इसका जो निकल जाए, जो चिकन भी है काफ़ी सॉफ्ट हो जाए, इसके अच्छे रेशे रेशे बन जाए। तकरीबन हम 20 से 25 मिनट सीटी लगा के इसको रखेंगे। तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। ये 25 मिनट हो गए हैं, अब मैं चेक करती हूँ यखनी हमारी, माशाल्लाह देखिए बन के रेडी हो गई है। प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पैन में बनानी है तो वो 30 से 35 मिनट लगेंगे। इधर हमारे 25 मिनट लगे हैं, देखिए कितना चिकन जो है गल के रेडी हो गया है। तो देखिए सब्जियों की भी इतनी नाइस खुशबू आ रही है, साथ जो हमने खड़े मसाले डाले हैं इतनी नाइस स्मेल आ रही है इसकी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ये चिकन हम सेपरेट कर लें फिर यखनी सेपरेट करते हैं। जी फ्रेंड, अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि यखनी में आगे क्या करना है। 2 टेबलस्पून लेना ऑयल, ज़्यादा नहीं हमने डालना, ऑलरेडी चिकन के अंदर भी वो चर्बी वगैरह होती है तो वो उसका जो काफ़ी चर्बीपन वो ऑयल निकल गया है, तो मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है, इसको मैंने बारीक सा कर लिया है। ये लहसुन हमारा गोल्डन लाइट ब्राउन हो गया है, अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये जो सारे, ये गाजर मैंने ली है बड़े साइज़ की, थोड़ी सी बंद गोभी मैंने ली है, साथ मैंने एक गट्ठी जो होती है स्प्रिंग ओनियन की वो ली है, एक मैं येलो जो कैप्सिकम होता है शिमला वो मैं ली है, 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं कि मैंने काटी नहीं है कि बच्चों के मुँह के अंदर ना आए। तो अगर आप लोगों ने काटना तो आप काट सकते हैं, सब्जियाँ भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो मैंने डाली अगर आपके पास नहीं है आप कोई सी भी सब्ज़ी ले सकते हैं। इसको मैंने 2 से 3 मिनट भूनना है कि लहसुन का जो फ्लेवर है सब्जियों के अंदर आ जाए। ये सब्जियां हमने 2 से 3 मिनट भून ली है, लहसुन की फ्रेंड्स इतनी कमाल की खुशबू आ रही है तो पूरे घर में फैली हुई है माशाल्लाह। ये जो हमने जो रेशे रेशे किए थे चिकन के, ये भी मैं इसके साथ ही डाल रही हूँ कि ये भी मैं 1 से 2 मिनट भून लूँ कि लहसुन का भी जो फ्लेवर है इसके अंदर और आ जाए। वैसे तो हमने यखनी में डाला था तो ये जो हमने और ये फ्रेश डाला हुआ है ये भी इसके अंदर टेस्ट आ जाए।
ये चिकन भी हमारा सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ब्लैक पेपर, तकरीबन आधी टीस्पून, आप अपने हिसाब से डाल लें। सॉल्ट मैंने पहले भी एक टीस्पून डाला था, अब सब्जियों के लिए मैं एक और टीस्पून डालने लगी हूँ। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। नमक तो अपने हिसाब से, हाँ आपके अपने, वही मैंने कह दिया ना पहले भी डाला, अब भी आप अपने हिसाब से डाल लें। तो साथ मैंने ये जो होता है जो मैगी बच्चों वाली नूडल होते हैं वो मैंने हल्के से बॉईल कर लिए हैं, वो ये जो टर्की सूप है इसके अंदर मस्त ये जाती है ये चीज़ें ना, ये मैंने डाल दिए हैं। एक मैं डालने लगी हूँ टेबल स्पून चिकन पाउडर, अगर आपके पास है तो डाल दें वरना इसको स्किप कर दें। तो फ्रेंड्स इसके साथ बहुत अच्छा जो है ना फ्लेवर आता है, मैं ये डालने लगी हूँ तकरीबन वो जो किनोर के क्यूब्स भी होते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं आप, ये भी डाल सकते हैं, ये मैं डाली, इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने अच्छी तरह भून लिया है, अब मैंने जो यखनी बनाई थी चिकन की अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। फ्रेंड्स बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको हर दफ़ा कहती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, कि बच्चे एक ही चीज़ खा पी के और खा के फेडअप हो जाता है, आप अपने घर में खुद भी खाएं, बच्चों के लिए भी बनाएं, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है आप बनाएं, देखें ये कितनी, और इंजॉय करें, और आजकल तो विंटर का सीज़न है तो यही कुछ ही चल रहा है हर घर में। कब से मेरे हस्बैंड कह रहे थे बनाओ बनाओ, तो फिर आप लोगों को पता हम तो पाकिस्तान गए हुए थे, अब वापस आई हूँ तो थकावट दूर हुई है, मैंने कहा चलो अब कुकिंग का जो सिस्टम अब शुरू करें। तो चले ये अब मैं थोड़ा सा और पानी डालती हूँ इसके अंदर, के चीज़ें और नूडल वगैरह थे थोड़ी सी थिकनेस है इसके अंदर, थोड़ा सा और पानी डालती हूँ। ये मैंने तकरीबन डाले थे 8 कप, तो तकरीबन 1 कप में और डालूंगी पानी का, आप अपने चिकन के हिसाब से करें और फैमिली के हिसाब से करें। अब मैं इनको रखने लगी हूँ 2 से 3 मिनट कि ये सारी जो यखनी और चीज़ों के अंदर चली जाए, फिर आप मिलते थोड़ी देर के बाद, बाकी जो करना फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। जी सूप हमारी फ्रेंड्स बन के रेडी हो गई है, तकरीबन हमने 10 मिनट इसको हल्की आंच पे रखा था, देखें माशाल्लाह कितनी लुक इसकी नाइस लग रही है, ये देखें नूडल भी है सारी सब्जियां भी है। अब हम इसकी जो फिनिशिंग वो करने लगे हैं, 2 मैंने टेबल स्पून लेने हैं सोया सॉस, आप अपने हिसाब से डाल दें कम या ज़्यादा, 2 टेबल स्पून विनेगर के, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, ये भी आप अपने हिसाब से डालें कम और ज़्यादा, और चिली सॉस कोई भी ले लें, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने ये वाली हॉट वाली ली है मैंने। इसको हम मिक्स करते हैं, जी अब मैंने ये 3 टेबलस्पून भर के लिए कॉर्नफ्लावर के, ये हम डालते हैं, ये भी आप अपनी मर्जी से डालें, काफ़ी लोग होते हैं जो थिक पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पतली पतली सी रखते हैं। अब हमने 3 टेबलस्पून भर के पानी डाल के मिक्स कर लिया है, तो मैं इसको हिला रही हूँ, देखती हूँ कितनी की इसके अंदर थिकनेस आती है, फिर उसके हिसाब से मैं और डालूंगी, अभी पतली है 3 टेबलस्पून ही जाएगी, लगता है थोड़ा सा और अभी डालना पड़ेगा, मेरा ख्याल 1 टेबलस्पून और जाएगा, पतली है जी। कॉर्नफ्लावर तकरीबन 2 मिनट हमने पका लिया है, अब मैं डालने लगी हूँ, 2 मैंने अंडे लिए थे, इसको मैंने अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है, तो ऐसे हम हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे ऐसे, आप अंडे भी अपने हिसाब से कम और ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 2 ही रखने हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद इसको इसका जो मिक्सर है वो हिलाते हैं जी, अब अंडे डाल के मैं इसको हल्के हाथ से हिलाती हूँ, अब मैं इसको 2 से 3 मिनट
इसको रहने देती हूँ कि इसका जो कच्चा पान है वो ख़त्म हो जाए। अंडों का भी आपको पता है शान बहुत ज़्यादा आती है, अगर हमने ना अच्छी तरह पकाया तो ये सूप जो पीने के काबिल नहीं होगी। स्पेशली जो अंडे नहीं खाते उनके लिए तो, और जो कह रही है वो खुद ही नहीं खाती मैं खुद नहीं खाती, सही बात है। सूप हमारी बन के रेडी हो गई है, अब हम आपको इसकी फाइनल लुक बॉल में डाल के दिखाते हैं। कितना नाइस कलर आया, देखिए कितना नाइस। हाँ जी गाइस, तो फाइनल लुक जो है मम्मी ने बॉल में डाल के आप लोगों को दिखा दी है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है और जबरदस्त है जी। टेस्ट भी मैंने किया है फ्रेंड्स, बड़ी मजे की बनी है टर्किश ये सूप। प्लीज आप भी ये बनाएं। ये देखें, मैं गार्निश के लिए इसके ऊपर जो मैंने स्प्रिंग ऑनियन मैंने अंदर डाले थे वो गार्निश के लिए थोड़े से मैंने रखे हुए थे कि देखने में इसकी जो लुक है माशाल्लाह बहुत अच्छी लगे। देखें, देखने में भी अच्छी लग रही है तो पीने से भी बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ हमारी ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। हम और भी नई नई रेसिपीज़ लेके आएंगे जो हमें अच्छी लगती है, तो हम कहते हैं क्यों ना हम अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो हमें ये, हमने शादियों में भी पी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये टर्किश ये सूप, तो मैंने ट्राई की है। तो प्लीज़ आप ये देख के ज़रूर ट्राई करें, अगर पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें जी गाइस। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार यम्मी जो है टर्की सूप आपके सामने रेडी है। साथ मैंने ये विनेगर और मैंने हरी मिर्चें उसमें काट के नहीं डाली थी कि बच्चों ने पीनी है नहीं, तो अगर वो सबने जो भी जिसने जो भी डालना होता है, सोया सॉस चिली सॉस ये भी सामने पड़ा है आपके सामने। तो आई होप गाइस आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके आ जाए जब भी अपलोड हो रेसिपी या व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।